पुलिस कंट्रोल रूम बड़वानी में आयोजित नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के अनुभाग बड़वानी के सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री डी आर तेनिवार ने कहा कि पुलिस को अपेक्षित एवं यथोचित सहयोग प्रदान करना नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का दायित्व होता है। नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के समकक्ष होकर उनके सहायतार्थ होते हैं। जनता में जो पुलिस को लेकर भय का माहौल रहता है, उसे दूर कर जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों को गठन प्रत्येक ग्राम में किया जाता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 से 45 वर्ष की आयु का कोई भी युवा जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो, ऐसा व्यक्ति नगर और ग्राम रक्षा सुरक्षा समिति का सदस्य बन सकता है। यहाँ एक प्रकार का समाज सेवा का कार्य है और इस कार्य को करने में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति नगर एवं ग्राम रक्षा समिति सदस्य है तो उसे पुलिस भर्ती में 5 नंबर मिलते हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। आज का ये जो आयोजन है बड़वानी मुख्यालय पर ग्राम रक्षा और नगर रक्षा समिति के जो एक्टिव लोग हैं उनको प्रशिक्षण और उनको कुछ सामग्री उनके लिए जो टी शर्ट और झंडे वो दिए गए। जिला बड़वानी में हर अनुभाग मुख्यालय पर अनुभाग के अंतर्गत आने वाले थानों के जो एक्टिव लोग हैं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण ग्राम रक्षा नगर रक्षा समिति का जो विधेयक अधिनियम है क्या है उनके बारे में और इनको गांव समिति के माध्यम से क्या काम करना है, पुलिस का किस प्रकार से सहयोग प्राप्त करना है और समग्र प्रयास ये है कि सामुदायिक पुलिस के अंतर्गत ग्राम रक्षा नगर रक्षा समिति के एक लोगों का सहयोग प्राप्त करना और जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए अच्छा है। अन्य जगह भी हुआ ये कार्य? हाँ, अन्य जगह भी हुआ है। सेंधवा में हुआ है, अंजड़ और राजपुर दो जगह हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।